हेलो फ्रेंड, नीट यूजी के फॉर्म आए हुए अब 4-5 दिन हो गए हैं। हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स के फोन आ रहे हैं उन सबको ज्यादा कंफ्यूजन इस बार के डॉक्यूमेंट्स को लेके है और कौन सा कोर्स उनके लिए अप्लीकेबल होगा इसको भी लेके थोड़ा कंफ्यूजन है। तो आज का वीडियो मैंने फ्रेंड इसीलिए बनाया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि नीट यूजी 2024 में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन सा कोर्स आपके लिए अप्लीकेबल होगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कौशल पांडे है और वाइस ग्लोब एजुकेशन में आपका स्वागत है। वीडियो की शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट चाहिए हमें नीट यूजी 2024 के लिए। सबसे पहला तो डॉक्यूमेंट चाहिए आपको आपका पासपोर्ट साइज फोटो, दूसरा चाहिए आपको आपका पोस्ट कार्ड साइज फोटो, तीसरा चाहिए आपको आपका सिग्नेचर, चौथा आपको चाहिए आपके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के फिंगर और थंब इम्प्रेशन, पांचवा आपको चाहिए आपका क्लास 10 का पासिंग सर्टिफिकेट। अगर आपके पास क्लास 10 का पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो आपकी 10th की मार्कशीट भी काम आएगी। इसके बाद आपको चाहिए आपका वैलिड फोटो आईडी प्रूफ, इसमें आप अपने 12th की एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, आपका पासपोर्ट कुछ भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो चाहिए आपको वो है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट के बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी वो है PWBG सर्टिफिकेट, यानी कि पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। इसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट चाहिए वो है सिटीजनशिप सर्टिफिकेट। फ्रेंड्स, ये तो हो गया लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए आपके नीट यूजी 2024 के फॉर्म भरने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर स्पेसिफिकेशन कि जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं उनकी साइज क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपके पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ्स हैं उनकी साइज 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में होगा। पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ का साइज भी 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में होगा। आपके दोनों फोटोग्राफ जो हैं पासपोर्ट साइज और पोस्ट कार्ड साइज दोनों वाइट बैकग्राउंड में होने चाहिए। आपके जो ये फोटो हैं दोनों ये 1 जनवरी 2024 या उसके बाद के होने चाहिए। आपने पिछले साल कोई फ़ोटो खिंचाया है वो फ़ोटो अब काम नहीं आएगा, आपको फिर से नया फ़ोटो खींचना है। एक और बात, आपको आपके पासपोर्ट साइज और पोस्ट कार्ड साइज दोनों फोटोग्राफ के कुछ कॉपीज संभाल के रखने हैं, ये आपको बाद में भी काम आएंगे। आपके जो फोटोग्राफ हैं वो क्लियरली आपका फेस उसमें विजिबल होना चाहिए, 80% ऑफ द फेस, आपके ईयर्स क्लियरली विजिबल होने चाहिए। NTA ने अपने नोटिफिकेशन में एग्जाम्पल और सैम्पल लेके भी समझाया है, आप वहाँ से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट रेगुलरली स्पेक्स पहनता है तो वो स्पेक्स के साथ भी अपना फोटोग्राफ ले सकता है, उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फैशन के लिए आप अपना गॉगल्स या चश्मा यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको पावर का चश्मा लगा हुआ है तो ही आप स्पेक्स के साथ अपने फोटोग्राफ को खिंचवाएं। फोटोग्राफ पे बाद आते हैं फिंगर और थंब इम्प्रेशन पे। आपके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के फिंगर और थंब इम्प्रेशन JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। आपके फाइल की साइज जो है वो 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में होनी चाहिए। आपके जो थंब इम्प्रेशन और फिंगर इम्प्रेशन है ये वाइट बैकग्राउंड पे होने चाहिए। फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान है, आप कोई भी इंक पैड ले उसमें अपने सभी उंगलियों को रखकर वापस किसी वाइट पेपर में प्रेस करें, आपके थंब और बाकी फिंगर के इम्प्रेशन बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे, आप उसको स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट में लास्ट है वो है सिग्नेचर। तो आपका सिग्नेचर जो है वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर जो है वो वाइट पेपर में होना चाहिए विथ ब्लैक बॉल पेन। और ये जो सिग्नेचर के फाइल की साइज है वो 4 KB से लेकर 30 KB के बीच में होनी चाहिए। फ्रेंड, ये तो हो गए टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट, आपको किस फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट का साइज कैसा होना चाहिए, ये सब डिटेल में मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक कोड पे कि कौन सा कोड आपके लिए अप्लीकेबल है। इस बार टोटल 7 कोड दिए गए हैं,
मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि कौन सा कोड किस स्टूडेंट के लिए अप्लीकेबल होगा। सबसे पहला कोड 1 उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस साल 12th बोर्ड के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। वो सारे स्टूडेंट जो इस साल 12th बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं और साथ ही साथ नीट का एग्जाम भी दे रहे हैं, वो सभी के लिए कोड 1 अप्लीकेबल होगा। कोड 02 उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑलरेडी 12th एग्जाम पास कर चुके हैं। अगर आसान भाषा में मैं समझाऊं तो वो सारे ड्रॉपर स्टूडेंट जिन्होंने 12th बोर्ड के बाद गैप लिया हुआ है, उनके लिए कोड 02 एप्लीकेबल होगा। नॉन मेडिकल ग्राउंड से जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए भी कोड 02 ही अप्लाई करेंगे। आपको काउंसलिंग के टाइम में गैप सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा, जो अभी जरूरत नहीं है, काउंसलिंग के टाइम में आपको जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है कोड 03 जो स्टूडेंट कर्नाटक बोर्ड से पिछले साल अपना 12th का एग्जाम पास किए हैं उनके लिए कोड 03 अप्लीकेबल होगा। कोड 03 बस ये स्पेसिफाई करता है कि आप कर्नाटक बोर्ड से हो। यू गाइज विल बी ऑल्सो कंसिडर एज ड्रॉप आउट स्टूडेंट। कोड 04 उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑलरेडी BAMS, BHMS, BSc नर्सिंग या बी फार्मा कर रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट कोड 04 अप्लाई करेंगे। वो सारे स्टूडेंट भी जो फॉरेन से प्री प्रोफेशनल कोर्स या प्री मेडिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं वो भी उनके लिए भी कोड 04 अप्लीकेबल होगा। आपके लिए भी काउंसलिंग के दौरान गैप सर्टिफिकेट देना कंपलसरी है। नेक्स्ट है कोड 05 वो स्टूडेंट जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर BSc में है उनके लिए कोड 05 अप्लीकेबल होगा। आपके लिए बस कंडीशन ये है कि आपका कोई भी दो सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से होना चाहिए और इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए। कोड 06 जो है वो BSc पास्ट स्टूडेंट की है, जिनके पास ऑलरेडी जो BSc पास कर चुके हैं, जिनके पास BSc का सर्टिफिकेट है, 3 साल की मार्कशीट है, उनके लिए भी कंपल्सन एक ही है कि आपका जो है PCB में से कोई दो सब्जेक्ट होने चाहिए और इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए। वो स्टूडेंट जो MSc या मास्टर के किस फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है उनके लिए भी कोड 06 ही अप्लीकेबल होगा। कोड 07 जो है वो NRI कैंडिडेट के लिए है। एक ब्रीफ समरी कर लेते हैं कि कौन कौन सा कोड किस स्टूडेंट के लिए अप्लीकेबल होगा। कोड 01 फ्रेशर स्टूडेंट के लिए या 12th अपीयरिंग के लिए, कोड 02 ड्रॉपर्स के लिए, कोड 03 कर्नाटक बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, कोड 04 BSc नर्सिंग BMS BHMS बी फार्मा कर रहे स्टूडेंट्स के लिए, कोड 05 BSc फर्स्ट और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, कोड 06 BSc पास स्टूडेंट के लिए और कोड 07 NRI स्टूडेंट्स के लिए। फिर मैंने इस वीडियो में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उनका प्रॉपर स्पेसिफिकेशन और कौन सा कोड किस स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल होगा इसकी एक विस्तृत जानकारी दी है। इसके बाद भी आपको किसी पॉइंट को लेकर कोई कन्फ्यूज़न हो तो नीचे दिए हुए हेल्पलाइन नंबर पर आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने अपने ऑफिस में नीट UG के फॉर्म के लिए एक पूरी अलग टीम बनाई हुई है जो लगातार स्टूडेंट्स को हेल्प कर रही है उनके फॉर्म भरने में। तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से हमारी उस एक्सपर्ट टीम के साथ जुड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, और अधिक जानकारी के लिए आप YouTube, Facebook या Instagram के माध्यम से हमसे कनेक्ट करें। हम लेटेस्ट अपडेट हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड, ऑल द बेस्ट।